दोस्तों आपको क्या पता है कि हमारी और आपकी एक भूल हमारे अपने बच्चों को एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जा रहा है। जी हाँ, आज हम अपने घरों में देखते हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन देकर उसे इंगेज कर देते हैं और अपने दैनिक कार्य में लगे रहते हैं। खास करके हमारे और आपके घरों की महिलाएं किचन में काम करती है, बच्चों को फोन दे देती है, कपड़े धोती है, बच्चे को फोन देकर इंगेज कर देती है, घरेलू काम करती रहती हैं, बच्चों को फोन देकर इंगेज कर देती हैं। यहाँ तक कि कुछ घर परिवार में बच्चों को घर में बंद कर, फ्लैट्स में बंद कर मोबाइल दे दिया जाता है और पेरेंट्स बाहर से सब्जी लेकर चले आते हैं, मार्केट कर चले आते हैं, शॉपिंग कर चले आते हैं, अपने घर के कुछ बाहरी काम को निपटा कर भी चले आते हैं और बच्चा उस मोबाइल फोन में लीन तालीन हो रहता है। यानी उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल मोबाइल में, यानी यू मे से कि आवर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू एडिक्टेड टू द मोबाइल फोन। हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन के एडिक्टेड हो गए हैं। अगर आप उन बच्चों से मोबाइल ले लें या उनकी मांग पर मोबाइल न दें तो आपके बच्चे इतने गुस्से करते हैं और इतने चिढ़ जाते हैं कि वो आपको दया आ जाएगी। फिर आप उनको मोबाइल फोन दे दीजिएगा। तो आपको क्या पता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि इस तरह की गलती, यह भूल जाने अनजाने में जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, यह हमारे बच्चों को कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। हमारे बच्चे सोशल एंग्जाइटी नाम के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और सोशल एंग्जाइटी नाम की बीमारी जो है हमारे बच्चों को एकांतवासी यानी बिल्कुल अकेला रहने को मजबूर कर देता है। हमारे बच्चों में चिड़चिड़ापन का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, हमारे बच्चे बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, यानी कुछ नए लोगों से मिलना उन्हें पसंद नहीं होता, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो वो उन्हें पसंद नहीं होता, बाहर दोस्त नहीं बना पाते, स्कूलों में भी अपने फ्रेंड नहीं बना पाते। बिल्कुल जिस तरह से हमारे समाज में एकल परिवार की परंपरा विकसित हुई है, उस एकल परिवार में भी एकांतवासी परिवार की तरफ यह सेल फोन, मोबाइल फोन हमें ले जा रहा है और खास करके इसके शिकार 4 से 6 साल के बच्चे हो रहे हैं और यह एक गंभीर बीमारी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें इन बीमारियों से बचने की जरूरत है, बच्चों को इसके आगोश से बचाने की जरूरत है और तभी हम बचा सकते हैं जब हम अपने एक्टिविटी बच्चों के साथ बढ़ाएं। यानी हमें बच्चों के साथ फिजिकल होना होगा, बच्चों को फिजिकल गेम के तरफ प्रोत्साहित करना होगा, आपको किसी भी तरह से बच्चों से मोबाइल से दूरी बनानी होगी। अगर आप इसमें दूरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो रहे हैं और अगर आप बच्चों को मोबाइल फोन से दूरी बनाने में नाकाम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को जानबूझकर गंभीर बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सोशल एंग्जाइटी से बचे, सोशल एंग्जाइटी का शिकार न हो, तो आपको अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूरी बनाना होगा। आपको यह प्रयत्न करना होगा कि किसी भी तरह से आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाएं, उनके साथ फिजिकल हों, फिजिकल एक्टिविटी करें, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, स्टोरी को शेयर करें, उनको कुछ गाइड करें, सोशल फेनोमेना के स्टोरी आप उन्हें कहें, कुछ महापुरुषों की बात करें और आप स्पिरिचुअल बात करें। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ फिजिकल होकर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और इस तरह से बच्चों को मोबाइल से बचा सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और बच्चों के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है, क्योंकि हमारा और आपका मूल्य धन हमारे बच्चे होते हैं, उन्हें बचाना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेवारी है। तो अभी फिलहाल विदा दीजिए, फिर नए वीडियो में नए विषय के साथ आप के समक्ष आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।